आप जानती हैं ये लठ मेरे नाना जी का है। मेरे नाना जी ने इस लठ का नाम रामदास रखा था। वो इसलिए रखा था क्योंकि भगवान राम की तरह ये लठ भी उनके लिए बुराइयों का नाश करता था। समाज की सारी बुराइयों को वो इस लठ से ख़त्म करते थे। वेल, इसे उस ज़माने में लठ कहते थे, लेकिन आज के टाइम में इसे बैम्बू स्टिक कहा जाता है। और ये बैम्बू स्टिक हमें फिट रख सकती है। थोड़ा सा हैरान, थोड़ा सा परेशान, बैम्बू स्टिक कैसे आपको फिट रख सकती है? जी हाँ, आज के फिटनेस पार्क सेगमेंट में मैं आपको ये बताऊंगा कि बैम्बू स्टिक से आप किस तरह खुद को स्ट्रेच कर सकते हैं, खुद की एक्सरसाइज कर सकते हैं और किसी भी तरह की स्पाइन इंजरी से बच सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस बैम्बू स्टिक का वर्कआउट। सबसे पहले ज़रूरी है जानना कि इस बैम्बू स्टिक की प्लेसमेंट कैसे होगी, इसका इस्तेमाल कैसे करना है। हमें इससे फाइट यानी लड़ाई बिल्कुल नहीं करनी है। बहुत ही आसानी से इस बैम्बू स्टिक को हमें अपने कंधे पर यानी पीठ की तरफ प्लेस करना है, कुछ इस तरह। ध्यान दीजिएगा कि पोजीशन बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं हो, बहुत ज़्यादा नीचे ना हो, आपकी पोजीशन मिड में रहेगी बिल्कुल, ताकि आपको ये पोजीशनिंग का जो मूवमेंट है, ये जो होल्ड करने की पोजीशन है, ये बिल्कुल सही मिले। ठीक है, इस पोजीशन को ध्यान रखिएगा। अब इस पोजीशन के साथ हम शुरू करेंगे पहला वर्कआउट जो इस बैम्बू स्टिक से होगा। सबसे पहले शुरू करेंगे हम साइड लेटरल मूवमेंट, कुछ इस तरह से। हम लोग हमेशा से परेशान रहते हैं कि हमारे साइड ओब्लिक बहुत हैवी होते हैं, खासकर लड़कियों के, और वो लोग जो कि बहुत ही ज़्यादा वर्कआउट नहीं करते हैं, उन्हें साइड ओब्लिक हैवी होने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये जो एक्सरसाइज है, ये बैम्बू स्टिक से करने का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि बैम्बू स्टिक से जब आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो आप पोजिशन बिल्कुल गलत नहीं लेते हैं, आपकी पोजिशनिंग बिल्कुल स्ट्रेट रहती है। आप देख सकते हैं कि मेरे जो हाथ हैं वो शोल्डर लेवल पर बिल्कुल सीधे हैं। आपको अपने आर्म्स में जर्क देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और पूरा जो मूवमेंट है, पूरा जो असर है, उसका पूरा असर सीधा आपकी ओब्लिक्स पर होता है। आप देख सकते हैं किस तरह से स्ट्रेच होगी मेरी ओब्लिक। जर्क बिल्कुल भी नहीं देना है हमें, आप कभी भी झटके से नहीं करेंगे, कुछ इस तरह से लोग करते हैं ज्यादातर। हमें जल्दी बिल्कुल भी नहीं है, हमारा शरीर आराम से एक्सरसाइज कर सकता है, और आराम से की हुई एक्सरसाइज का फायदा बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो इस मूवमेंट को धीरे धीरे करेंगे। सेकंड जो लेवल है इस बैम्बू स्टिक के जरिए जिसको हम अपना सकते हैं, वो होता है साइड मूवमेंट्स, यानी कि जैसे ट्विस्ट करते थे हम बचपन में, और आज भी जो लोग ट्विस्ट करते हैं, खड़े होकर ट्विस्ट करने की जगह हम इस बैम्बू स्टिक के जरिए थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे अपने आप को। और ये जो एक्सरसाइज है, ये बेसिकली आपकी लोअर स्पाइन पे वर्क करता है, आपके लोअर स्पाइन को स्ट्रांग बनाता है, किसी भी इंजरी से बचाता है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से। हमें झटका बिल्कुल नहीं देना है, हम बस उस लेवल तक अपनी बैक को स्ट्रेच करेंगे जहाँ पर हमें थोड़े से दर्द का एहसास होगा। हमें झटका बिल्कुल भी नहीं देना है अपने आर्म्स को। और एक और चीज़ का ध्यान हम ये रखेंगे कि हम अपनी लोअर बॉडी को बहुत ज़्यादा मूव नहीं करेंगे। अगर स्पाइन पर वर्कआउट अगर आप चाहते हैं तो ध्यान देना होगा कि आपकी स्पाइन ही मूव करे, आपकी अपर बॉडी ही मूव करे। वेल, ये दूसरा लेवल था बैम्बू स्टिक के वर्कआउट का। एक और लेवल है जिससे हम अपने लोअर बैक और स्पाइन को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं, थोड़ा सा इंटेंसिटी लेवल बढ़ाने के लिए होता है ये, खासकर वो लोग जो कि स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं, जो कि थोड़ा सा अपने आप को ज़्यादा स्ट्रांग रखना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए एक नेक्स्ट लेवल होता है जो अपने बैक और अपनी स्पाइन को थोड़ा सा और स्ट्रांग बनाता है। उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को बेंड करना होगा। इसी पोजीशन में आप बैम्बू स्टिक को, अपने हाथों को इसी पोजीशन में रखेंगे और थोड़ा सा बेंड हो जाएंगे। जब आप इस पोजीशन में बेंड हो जाएंगे, आपको वही एक्सरसाइज जो हमने खड़े होकर करी थी, उसी एक्सरसाइज को इस पोजीशन में दोहराना है। वेल, ध्यान देना है हमें कि अपनी बैक को जर्क नहीं देना है। अगर आप थोड़ा सा भी जर्क महसूस करते हैं, आपको लगता है कि आपकी बैक में दर्द हो रहा है, तो आप अपने नीज को थोड़ा सा बेंड कर सकते हैं। जब आप नीज को बेंड करते हैं तो आपकी बैक पे ज़्यादा स्ट्रेच महसूस नहीं होता, और आप ये एक्सरसाइज बहुत ही एफिशिएंटली कर सकते हैं। आप देखेंगे मैं अगर नीज बेंड करूँगा तो
मैं इस पोजीशन को बहुत ही अच्छी तरह से अपना पाऊंगा। ये देखिए, वेल, ये कुछ बेसिक एक्सरसाइज थी जो आप इस बैम्बू स्टिक के जरिए अपना सकते थे। इस बैम्बू स्टिक से और भी बहुत सारी एक्सरसाइज हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल आज के सेगमेंट में मैं आपको इतनी एक्सरसाइज बताऊंगा, क्योंकि हम शुरुआत धीरे धीरे करते हैं। अगर बहुत ही जल्दी मैं आपको एक्सपर्ट लेवल तक पहुंचा दूंगा तो शायद आप लोग उस एक्सरसाइज को ढंग से अपना नहीं पाएंगे, तो शुरुआत धीरे धीरे करेंगे। आज के लिए इतना ही, अगले सेगमेंट में मैं आपको लेकर आऊँगा आपके लिए कुछ और ऐसी एक्सरसाइजेज जो इस कुदरती माहौल में आपको करने में मज़ा तो आएगा ही, साथ ही साथ आप अपनी फिटनेस लेवल को बहुत ही जल्द बढ़ा सकेंगे। तो मिलते हैं अगले सेगमेंट में। गुड बाय।